हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं वाटर टैंक पे कुछ न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, मान लेते कि आपके पास एक वाटर टैंक है जिसमें आपने वाटर भर के रखा है। तो आप अब जानना चाहते हो कि जो वाटर टैंक है उसके बॉटम पे कितना वाटर प्रेशर होगा और जो साइड वॉल्स है टैंक के उस पे कितना प्रेशर होगा। तो उसके लिए साधारण से दो फॉर्मूलीज है। पहले बॉटम का जान लेते हैं। जो भी वाटर टैंक होगी उसके अगर बॉटम का आपको प्रेशर निकालना है तो देखिए ये फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी एट द रेट बॉटम इंटू एरिया। अब ये फॉर्मूला समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डायग्राम। तो ये जो है प्रेशर डायग्राम फॉर बॉटम है। यहाँ पे जो एक कंपोनेंट होगा वाटर प्रेशर का वो यहाँ पे आएगा प्रेशर इंटेंसिटी। एक कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, ओमेगा एच। तो मैंने यहाँ पे ओमेगा एच लिखा है, बरोबर। इनटू एरिया, एरिया मतलब अगर आपका टैंक का बेस रेक्टेंगुलर है तो बी इंटू एच, अगर सर्कुलर है तो पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर, दैट्स इट। ये एरिया से मल्टीप्लाई करो, आपको प्रेशर एट बॉटम मिल जाएगा। ये हुआ बॉटम के बारे में। अब बात करते हैं साइड वॉल्स की। साइड वॉल पे अगर आपको प्रेशर निकालना है तो एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम इंटू बी करना पड़ेगा। बी मतलब अगर रेक्टेंगुलर शेप की टैंक रहेगी तो विड्थ से मल्टीप्लाई करो, अगर सर्कुलर शेप की टैंक रहेगी तो डायमीटर से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। अब एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम मतलब क्या, ये प्रेशर डायग्राम है साइड वॉल के लिए, मतलब टैंक की जो साइड वॉल होती है उसके लिए। इसका एरिया, अब एरिया कैसे निकालते हैं, ये तो ट्रायंगुलर शेप में प्रेशर डायग्राम है तो इसका एरिया वन हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ओमेगा एच, इंटू हाइट एच। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे वन हाफ ओमेगा एच इंटू एच, एच स्क्वायर इंटू बी, दैट्स इट। ये बन जाएगा साइड वॉल के लिए प्रेशर का फॉर्मूला। अब अभी के लिए इतना ही याद रखो कि आपको एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है बी या डी से, दैट्स इट। बी या डी मतलब क्या, डी का मतलब डायमीटर, सर्कुलर रहेगा तब, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रख के आपको फटाफट एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा के देते हैं। आइए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उससे पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा, रफ कर देते उसके बाद शुरू कर देते। तो चलिए दोस्तों एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ऐसा दिया है कि आपके पास एक वाटर टैंक है, यहाँ पे दिख रहा है वाटर टैंक है जो सर्कुलर शेप का है जिसका डायमीटर 1.4 मीटर है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, जो टैंक दिया ना उसको ड्रॉ कर देना। चलिए ड्रॉ कर देते हैं टैंक को। ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा निकलता हूं ताकि सब डिफरेंसेस एकदम क्लियरली पता चले। ओके, ये वाटर टैंक है। अब आगे बोलते हैं कि ये जो वाटर टैंक है इसमें एक लिक्विड है जो 0.82 स्पेसिफिक ग्रेविटी का है और वो फ्लोट हो रहा है वाटर के ऊपर। इसका साफ साफ मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे वाटर है बॉटम में और इसके ऊपर कोई और लिक्विड है जो फ्लोट हो रहा है, तो उसको ब्लैक कलर से दिखा देते हैं। चलिए ओके। तो अगले लाइन में बोला है कि इनका जो डेप्थ है, जो फ्लोट हो रहा वाटर है लिक्विड है उसका डेप्थ है 0.6 मीटर और जो वाटर डेप्थ है वो है 1.8 मीटर, दैट्स इट। अब ये अगर डेटा आपको दिया है तो हमें बताइए कि ये टैंक के बेस पे और साइड वॉल पे कितना प्रेशर आएगा। इतना इजी सवाल है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी दिया है ना उसको लिखो फटाफट। क्या क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है पहले लिक्विड का, ठीक है, कितना है 0.82। फिर उसके बाद H1 यानी पहले लिक्विड के हाइट 0.6, फिर H2 1.8, ये मीटर में है तो मीटर लिख दो, दैट्स इट, हो गया। अब
तुरंत क्या करो, यहाँ पे एक प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करो। प्रेशर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? हमेशा प्रेशर डायग्राम ट्रायंगुलर शेप में होती है। देखो ये होती है ट्रायंगुलर शेप में। प्रेशर डायग्राम का कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में लिया है, उसको अच्छे तरीके से करिए तो आपको ना ये प्रेशर डायग्राम आसानी से समझेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रेशर डायग्राम है वो सेपरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो है ये लिक्विड अलग है। इस लेवल तक मैं अगर बात करूं तो यहाँ तक जो है अलग लिक्विड है, तो इसका ये ऊपर वाला प्रेशर डायग्राम बनेगा और नीचे वाला अपने वाटर का। अब यहाँ पे पहले लिक्विड की हाइट लिख देते हैं H1, यहां तक H1 है, साइड में भी दिख रहा है, और ये H2 है, दैट्स इट। अभी अगर आप प्रेशर डायग्राम को याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बॉटम पे प्रेशर होता है वो क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ दैट लिक्विड इनटू हाइट। मतलब क्या, यूनिट वेट पहले का ω1 इनटू हाइट मतलब H1, दैट्स इट, हो गया। अब अगर इसको एक्सटेंड करते हो, देखिए यहां पे मैं ये जो लाइन है इसको बस एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये जितना है उतना ही बेस पे होगा ये ω1 H1, बरोबर। और जो बचा हुआ पार्ट है ये होगा ω2 H2, दैट्स इट, है ना। एक्चुअली आप टोटल लिख सकते थे कि बेस पे आने वाला प्रेशर जो है ऑयल के कारण, ऑयल मान लेता हूं जो 0.82 स्पेसिफिक ग्रेविटी का, इसके कारण और वाटर के कारण, दोनों के कारण बेस पे आ रहा है ना प्रेशर, इसके लिए यहाँ पे दोनों का जिक्र किया गया है, दैट्स इट। हमेशा डायग्राम दो लिक्विड हो तो ऐसा ही बनेगा, ये याद रखना। अब एक बार ये डायग्राम बन गया तो हमें क्या करना है, जो फॉर्मूलीज है यहाँ पे मैंने लिखे है, प्रेशर एट बॉटम के लिए क्या है, प्रेशर एट साइड के लिए क्या है, उसका इस्तेमाल करो और सीधा सीधा वैल्यूज निकाल। तो चलिए अब सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पूछा है बॉटम पे प्रेशर कितना आएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पी बॉटम का फॉर्मूला लिखूंगा, PB प्रेशर एट द रेट बॉटम, प्रेशर इंटेंसिटी होता है एट द रेट बॉटम इनटू एरिया, दैट्स इट। अब प्रेशर इंटेंसिटी एट द रेट बॉटम कितना है, ये देखिए ω1 H1 प्लस ω2 H2 इंटू एरिया का फॉर्मूला, सर्कुलर टैंक है ना तो π/4 इंटू d2, दैट्स इट। अभी फटाफट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बट हमारे पास सब है क्या, ω1 नहीं है, ω2 है। ω2 मतलब क्या, दूसरा जो लिक्विड है उसका यूनिट वेट, दूसरा लिक्विड वाटर है, तो यहाँ पे मैं लिख दू, यहाँ पे लिख देता हूँ ω2 मतलब 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये वाटर का यूनिट वेट का वैल्यू है। H1 H2 तो है, बस ω1 की कमी है। तो ω1 कैसे निकालते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वन लिक्विड इज इक्वल टू ω1/ω W। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू ω/ नॉन लिक्विड का यूनिट वेट, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला जब हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था उसमें देखा है, तो बस आपको याद रखना है। कन्वर्जन कैसे होगा, ओमेगा ऑफ वाटर पता रहता है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बचेगा ω1, तो ω1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 इंटू ω W। अब S1 कितना है, 0.82, ω W मतलब वाटर का यूनिट वेट कितना होता है साहब, 9.81, करो इससे मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा देखते हैं,
0.82 × 9.81, तो ये हो गया 8.0442, 8.0442 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दैट्स इट। अब ओमेगा वन तो मिल गया, फटाफट पुट कर दो ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो पीबी इज इक्वल टू, यहां पे ब्रैकेट लेता हूं मैं, ओमेगा वन 8.0442 इंटू एच वन 0.6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरे ब्रैकेट में ओमेगा टू का वैल्यू 9.81 इंटू एच टू का वैल्यू 1.8, ये ब्रैकेट क्लोज, इंटू एरिया का फॉर्मूला पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी का वैल्यू 1.4 का स्क्वायर। दैट्स इट। इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो कितना आता है देखते हैं। 8.0442 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9.81 × 1.8 ब्रैकेट क्लोज इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.4 का स्क्वायर, तो ये आता है 34.61। सही है क्या? हाँ सही है, 34.61। तो यहाँ पे पीबी का वैल्यू 34.61 किलो न्यूटन इतना आया। तो टोटल प्रेशर ऑन बॉटम जो लग रहा है इतना लग रहा है। एक काम तो बड़े आसानी से कर दिया, अब दूसरा काम यहाँ पे पहले इसको सेपरेट बना देते हैं। प्रेशर ऑन साइड वॉल क्या होता है? एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, मतलब प्रेशर डायग्राम का एरिया इंटू, अब इस केस में बी और डायमीटर लिखा है, ये सर्कुलर है तो यहाँ पे डायमीटर आएगा, इंटू डायमीटर इज इक्वल टू प्रेशर डायग्राम का एरिया। बड़े ध्यान से आपको निकालना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे पहला शेप है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है। तीनों के शेप का एरिया आप ऐड करो तो आपको प्रेशर एरिया मिल जाएगा। देखिए पहले का ट्रायंगल है तो उसका डायग्राम ट्रायंगुलर होने के कारण फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 × बेस ओमेगा 1H1 इंटू हाइट बेस इंटू हाइट H1 है, मतलब H1 क्या हो जाएगा? H1 स्क्वायर। ठीक है, पहले डायग्राम का एरिया हो गया, प्लस दूसरे डायग्राम का एरिया, ये रेक्टेंगल है तो इसका क्या होता है? ओमेगा 1H1 इंटू H2 विड्थ इंटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया वही होता है, ओमेगा 1H1 इंटू H2, तो दूसरे डायग्राम का एरिया ओमेगा 1H1 इंटू H2 खत्म। अब तीसरा डायग्राम अगेन ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला 1/2 × बेस कितना है? ओमेगा 2H2 इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है? H2, मतलब H2 इंटू H2 करोगे तो यहाँ पे H2 स्क्वायर ही होगा ना, तो डायरेक्ट मैं H2 स्क्वायर लिख रहा हूँ। दैट्स इट। अब धीरे धीरे इसमें वैल्यू पुट करो। ओके, इसको मल्टीप्लाई, डायमीटर भी तो है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देके डायमीटर से मल्टीप्लाई करूँगा जो 1.4 है। डन। अभी एकदम सॉर्टेड तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए वैल्यू पुट कर देता हूँ पहले, 1/2 × ओमेगा 1 का वैल्यू 8.0442 इंटू H1 का वैल्यू 0.6 इसका स्क्वायर, प्लस ओमेगा 1 कितना है अभी जो लिखा 8.0442 इंटू H1 0.6 है और H2 की बात करूँ तो वो 1.8 है। अभी तीसरा ब्रैकेट यहाँ पे नहीं बैठेगा, नीचे लिखता हूँ, उसके लिए फॉर्मूले रफ करने पड़ेंगे, कर देते हैं। देखिए अब इसमें ही प्लस 1/2 × ओमेगा 2 मतलब वाटर का यूनिट वेट 9.81 इंटू H2 मतलब
1.8 इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज इनटू 1.4। अब आराम से यहाँ पे कोई घाई नहीं होनी चाहिए, ये जब आप कैलकुलेशन करते हो चाहिए तो आप ये सेपरेट सेपरेट करो और फिर 1.4 से मल्टीप्लाई करो, बट गलत नहीं करना है। अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर मैं बुक में से देख के लिख रहा हूँ, अगर आपका कुछ अलग आ रहा है तो बता देना। इनका आंसर आ रहा है 114.476, नियर अबाउट आ गया तो भी चलेगा, क्योंकि बुक में जो किया है 1.4 बाद में उन्होंने मल्टीप्लाई किया है तो पॉइंट में इधर उधर हो गया तो चलेगा, बट इसका जो फाइनल अल्टीमेट आंसर जो आता है टोटल टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूँ वो 114.476। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसके बाद ना ये जो प्रेशर लग रहा है इसका सेंटर भी निकालना होता है कि कहाँ पे लग रहा है, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा, तो उस टाइम पे हमें पता चलेगा सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो फिलहाल के लिए तो बस इतना जानो कि बॉटम पे प्रेशर होगा तो कैसे निकालते हैं और साइड वॉल जो होती है उस पर प्रेशर कैसे निकालते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।